हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बढ़ती गर्मी को देखते हुए मैंने रखा था एक मैंगो, तो फिर उसको चाय का टाइम था इसलिए फिर मैंने चाय नहीं बनाई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है तो फिर मैंने मैंगो शेक बनाया। मैंगो शेक बनाना बहुत ही आसान है और पीना तो उससे ज़्यादा आसान है। और आपको कैसा लगा मैंगो शेक? तो मैंने लिए हैं आज कुछ अपने किचन के लिए बर्तन, तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, पहले आपको सबसे पहले मैं दिखाती हूँ चाय के मग। और चाय के मग जो पहले थे वो थोड़े ख़राब हो रखे थे, उनमें पानी जा रहा था, घुस रहा था, तो फिर मैं उनको देख के नए ले आए। तो ये कुछ इस तरीके से मग हैं और स्टील के ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि चीनी वगैरह तो टूट जाते हैं। और बस और इसी वजह से मैं ना एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चे पीछे बहुत शोर मचाते हैं और वो वॉइस ओवर ही नहीं करने देते। स्पेशली हमारे जो है यहाँ जो पूजा होती है उसके लिए है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगेगा। और एक ली है हमने कढ़ाई स्टील की है, पहले लाई थी मैं लेकिन वो ख़राब निकल गई, तो ये से दूसरी है। और साथ में है नाश्ते की प्लेट जो कि हमारे थी लेकिन वो थोड़ी छोटी थी, तो इस बार थोड़ी सी बड़ी साइज में लेके आई। वो चन्नी दिख रही थी, ये दूध वगैरह सब पे रखने के लिए, तो वो लेके आए हैं। और ये है चाय पत्ती और शक्कर के डिब्बे जो कि बहुत ही सुंदर है। इसमें तो और थोड़े ठीक नहीं लग रहे लेकिन सामने से देखने में और ये अच्छे लग रहे हैं। तो आप बताइए आपको इन सब में से कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई। और अभी मैं इनको साफ़ करूँगी। और साथ में ली एक चाय की तपेली, चाय की तपेली रखी हुई थी लेकिन वो ना अभी मतलब गैस पे टिकाते हैं तो गिर जाती है, उनका हत्ता जो है ना वो भारी रह गया और जो तपेली है वो हल्की रह गई तो गिर जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये तपेली ली है हमने। और इसका जो स्टिकर है वो भी मैं हाथों हाथ निकाल दूँगी थोड़ा सा गर्म करके ताकि उसको मैं निशान ना रहे और मैं साफ़ भी कर लूँगी। और साथ में चाय भी बनी हुई रखी है क्योंकि मैंने आके ने चाय बनाई है। चाय का सामान ज़्यादा हो गया ना, हमारे यहाँ चाय ज़्यादा बनती है। देखो चाय की तपेली हो गई, चाय शक्कर मतलब पत्ती और शक्कर के डिब्बे हो गए, चाय के मग्गे हो गए। हाँ तो ये मैंने अभी नोटिस किया कि चाय के सामान ज़्यादा आए हैं, तो अभी मैंने इसमें आज जो सामान यूज़ करने में निकालना उनको मैं साफ़ कर लूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो रखी है कि कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही, सिर्फ खाना बनाओ, झाड़ू पोछा करती हूँ और खाना बना लेती हूँ, एक का काम कुछ भी नहीं करती हूँ। ऊपर से लाइट इतना परेशान कर रही है, आ रही है जा रही है और आती थोड़ी देर के लिए, जाती बहुत लेट में आती है फिर। और ये जो मूंगफली मैंने बनाई थी वो भी सूख चुकी थी तो मैं अभी इसको डिब्बे में भर दूँगी, ज़्यादा नहीं बनाई मैंने, ये दो बार सब्ज़ी बन जाएगी इतनी है फिर बना लेंगे। और ये जो डब्बे मैंने साफ़ करके रखे थे ये भी सूख चुके हैं तो सबसे पहले इनको मैं खाली करूँगी। और ये मेरे पुराने डिब्बे थे तो उनको मैं हटा दूँगी, वो भी स्टील के ही थे और ये भी स्टील के ही हैं, तो वो जो पुराने डिब्बे उनको हटा दूँगी। और इनका ये है कि थोड़े बड़ी साइज में डिब्बे हैं। और ये जो पत्ती का डिब्बा है इसमें 1 किलो पत्ती आ जाएगी और वो जो पहले वाला था ना वो छोटा था तो आधी आती थी, तो अभी मैं इसमें पूरी पूरी आ जाएगी। और शक्कर भी है तो बार बार भरने की झंझट नहीं रहेगी। तो ये सब करते करते छोटे छोटे काम करते करते ना शाम हो चुकी है। अभी मैं बना रही हूँ मेथी दाना और प्याज की सब्ज़ी, और प्याज गल रहे हैं, इसमें मैंने नमक डाल दिया ताकि जल्दी प्याज गल जाए। और हालत देख रहे हो मेरी कितनी ख़तरनाक हो रखी है पूरी, मतलब मैं पसीने से नहा ली हूँ, इतनी गर्मी हो रही है और पंखा चालू नहीं कर सकती। और इसलिए मैं ना फटाफट से सब काम कर रही हूँ, खाना वाना बना के मैं नहाने जाऊँगी उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। तो ये सब काम करते करते मेरे को लेट हो गया था, फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, फिर मैं नहा आई और सो गई थी खाना खा के। और फिर ये है दूसरे दिन का, तो ये था सोमवार का व्रत था, तो फिर मैंने पर्याल बनाना था और नई कढ़ाई का मुहूर्त भी करना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मीठा बनाओ।
तो गिट्टू के डैडी को मीठा पसंद है और मुझे तीखा फरियाल में। बाकी ऐसे मीठा खा लेती हूँ, लेकिन अगर उपवास है तो उसमें मैं मीठा नहीं खा पाती हूँ। तो पहले मैंने सोचा उनके लिए हलवा बनाती हूँ, उसके बाद मैंने थोड़े से साबुदाने भी गला कर रखे हैं। सिंघाड़े के आटे का हलवा बना रही हूँ, तो ऐसे सिंपल बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट थोड़ा कड़वाहट में आएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया है, पहले घी लिया, उसमें थोड़े से बादाम को भून लूँगी और फिर उसमें डालूँगी। और साइड में मैंने दूध रख दिया, पानी नहीं डालूँगी। दूध में मैंने चीनी डाल दी है तो वो भी उसमें गल जाएगी। तो बादाम को मैंने बाहर निकाल लिया भून के, और जो सिंघाड़े का आटा था वो डाल दिया है घी में। अब इसको अच्छे से भूनूंगी। तो मुझे भी ना इतना अच्छा नहीं लगता इसका हलवा, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका टेस्ट अलग आता है। तो इस तरीके से बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट बदल जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से बादाम ज़्यादा डाले मैंने और दूध डाला है, तो उसका जो कड़वाहट सा जो टेस्ट रहता ना वो चला जाएगा। और ये ही साबुदाने थोड़े से गलाए हैं मैंने। अगर आपको बनाना है सिंघाड़े का आटे का हलवा और आपको उसका टेस्ट नहीं पसंद आता, तो इस तरीके से बनाएंगे ना आपको बहुत पसंद आएगा। और सच में मैंने टेस्ट भी किया था ना, ज़्यादा नहीं खाया लेकिन हाँ खाया, पर अच्छा लगा मुझे। और यहाँ दूध गर्म भून चुका था आटा, तो मैं दूध साइड में दूध भी गर्म हो गया था वो डाल दिया है मैंने। अब इसको हिलाऊंगी। जो दूध लिया था मैंने तपेली में, मैंने वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पूरा डाल दिया इसमें और अच्छे से इसको पकाया है। और इसमें अभी जो बादाम कुटी हुई थी वो डाल दिए हैं, तो ये हलवा बनकर तैयार हो चुका है यहाँ पे। तो आप भी एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना, आपको पसंद आएगा। पता भी नहीं चलेगा कि हलवा काय का था। और आज भी हालत कुछ इस तरीके की हो रखी है, सारा काम मैंने निपटा लिया है फटाफट से। और देखिए मेरे फेस पे इतना ऑयल आता है, ऑयली स्किन है मेरी, उसकी वजह से मेरे को पिंपल्स भी होते हैं। तो आज मैंने इसके लिए कुछ करने वाली हूँ। मैंने थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी को भिगो के रख दिया था और उसको थोड़ी देर मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडी हो जाए, और फिर ठंडी ठंडी लगाओ ना तो अच्छा लगे। तो बस मैं वही लगा रही हूँ। तो मुल्तानी मिट्टी क्या करेगी, जो भी एक्सेस ऑयल है मेरे फेस पे वो सारा खींच लेगी। और ये मैं अभी 2-3 दिन लगातार करूँगी, फिर बीच में 1-2 दिन छोड़ के फिर लगाऊंगी। ज़्यादा भी नहीं लगाना है, ड्राई स्किन वालों को नहीं लगाना, लेकिन ऑयली स्किन वाले तो इसको रोज़ाना लगा सकते हैं। घर के कामों के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, और ये मैं कभी कभी कर पाती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी थोड़ा टाइम निकाल कर अपने ऊपर ध्यान दें, और शायद दे रहे होंगे, मैं नहीं दे पाती। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सारी लेडीज़ें काम में रह जाती है और वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से सूख चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी बाकी है तो ये थोड़ा और सूख जाएगा, उसके बाद ही मैं फिर इसको धोऊंगी। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और यहाँ नन्नू सो चुकी है, तो अभी उसके जो भी खिलौने हैं वो हटाती हूँ